हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। क्लास 8 साइंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने शुरू किया कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब तीसरे पार्ट में उसका कुछ बचा हुआ भाग है जो हम लोग कवर करेंगे और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो चौथी वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और उनसे किस तरीके से बचाव किया जाए। उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। Our next topic is making medicines and vaccine. So, why do we take medicine and vaccine? Why? When somebody becomes sick, when they get infected by disease or lacked by any kind of particular nutrients. So basically there are two kinds of disease. First is communicable and second one is deficiency. In this topic, we are not going to discuss about the deficiency disease. Deficiency diseases are those diseases in which a particular nutrient is lacked by the body. While in deficiency, in communicable disease, a disease is being spread by a single person to many person, like cough, chicken pox. Currently, we are suffering from corona. These are the diseases which spread from one person to another person, and such diseases are called communicable disease. Almost all communicable diseases are spread due to germs. That germs are called pathogens. They are microorganism. So microorganism that causes disease are called pathogen. This pathogen transmitted from one person to another person by the mode of air, water, anything. So now, what are antibodies? So we discuss about the disease. Now let's talk about the solution. How can we fight from the disease? So the solution are medicine and vaccine. So first solution is antibodies. Firstly, we have to know about what are antibodies. Antibodies are the bacteria and fungi that are used to make medicine. Okay. So I have taught you that microbes are, some kinds of microbes are good and some are bad. So the kind of good microorganism that are used to make medicines and vaccines are called antibodies, like penicillin that is made up of penicillium. Vaccine is a dead and weakened germs that protect the body from the future attack by the germs. It means ye ek is bahut hi kamzor ya fir mare hue microorganisms hote hain jinko body ke andar hum log kya kar dete hain, inject kar dete hain. ठीक है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। अब वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो बॉडी में रह जाते हैं और फ्यूचर में होने वाले किसी अटैक से बॉडी को बचाते हैं। दरअसल क्या होता है कि हमारी बॉडी के पास क्षमता होता है लड़ने का, दैट इज कॉल्ड द इम्यून। ओके, अब क्या होता है कि जैसे ही हम इन कमजोर या फिर मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर डालते हैं तो हमारी बॉडी तो देखती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और वो क्या करती है, उसके खिलाफ अपने आप को बिल्डअप मजबूत करना शुरू कर देती है, जबकि वो क्या है, इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे आप कभी फिल्मों में देखे होंगे कि हीरो रास्ते से जा रहा होता है और विलेन रास्ते में सो जाता है, तो हीरो को ऐसा लगता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो कि रास्ते में सोया हुआ है, और वो जब उसके पास जाता है तो अटैक कर देता है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी ये नहीं समझती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आए हैं वो अच्छे हैं या फिर जिंदा हैं वो मरे हैं, बस वो उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी, उससे बचने की तैयारी शुरू कर देती है। तो लेकिन असलियत क्या रहता है, ये मरे हुए वैक्सीन जो होते हैं मरे हुए और वीकेंड होते हैं, बहुत मजबूत नहीं होते हैं। तो क्या होती है कि हमारी बॉडी पहले से ही अपनी कंडीशन को इंप्रूव कर लेती है, अपने इम्यून को मजबूत कर लेती है। ठीक है, इस वैक्सीन के कारण बॉडी क्या कर लेती है, अपने इम्यून मजबूत कर लेती है, और कभी फ्यूचर में अगर उसी प्रकार का वायरस या फिर उसी प्रकार का कोई जर्म बॉडी के अंदर एंट्री लेता है तो बॉडी तो पहले से फेमिलियर है, उसको वैक्सीन के सहारे वैसे पहचान करा दिए गए थे, तो उनसे लड़ने के लिए वो एंटीबायोटिक्स अपने अंदर क्रिएट कर लेती है और उनसे क्या कर लेती है, लड़ लेती है, और इस तरीके से हम रोग से बाहर निकल आते हैं। तो वैक्सीन के कारण हमारी जो बॉडी होती है वो आगे फ्यूचर में आने वाले जर्म से या फिर रोगों से लड़ लेती है
और ये किस चीज से बना हुआ होता है, डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको इंजेक्शन या फिर टैबलेट के सहारे बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं। आगे क्या है, आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इस्तेमाल है, विटामिन बी का जो टैबलेट होता है बैक्टीरिया और यीस्ट के कारण बनाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी जो है इसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना होता है और इसके लिए हम लोग बैक्टीरिया और यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि हमारे स्टमक के नीचे स्थित पैंक्रियाज से निकलता है, ये बॉडी शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए कि मतलब हम लोग मेडिसिन और वैक्सीन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये अभी मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ जाते हुए पहले हम लोगों को दो लोगों का भी नाम जान लेना चाहिए जिसमें हमारे दो बहुत बड़े साइंटिस्टों का नाम है, जिसमें पहले आते हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने क्या किया था कि उन्होंने मिल्क का पेस्चराइजेशन करना बताया था कि मिल्क को किस तरीके से हम लोग बर्बाद होने से बचाएंगे, कैसे उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कड़ी स्टडी करने वाले व्यक्ति में से एक ये भी थे। दूसरे थे एडवर्ड जेनर, ठीक है, मतलब पहले दूसरे कहने का मतलब, मतलब मेरे हिसाब से और मेरे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर है वो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था कि पहले के टाइम में चिकन पॉक्स और काउ पॉक्स जैसी कम्युनिकेबल डिजीज बहुत भयंकर रूप से फैलती थी, और वो इस तरीके से फैलती थी कि गांव के गांव के लोग खत्म हो जाते थे, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन ढूंढा था। तो ये दोनों नाम काफी पॉपुलर हैं, आप अक्सर इन सब चीजों को पढ़ने के लिए जाने जाएंगे। तो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड वैक्सीन फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का क्या इस्तेमाल है या फिर क्या रोल है। तो एग्रीकल्चर में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया है, आपको बताया है मैंने जो पहला लेसन लोग पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे लेग्युमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो यहां पर भी हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा है। आगे है ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये दोनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जिसके कारण खेती बाड़ी में हम लोगों को मदद मिलता है, तो यहां पर हमारे लिए यूजफुल हुए। आगे है इनक्लीनिंग द एनवायरमेंट, आप जानते हैं कि अगर जब से धरती है और तब से जितने जानवर यहां पर रहे हैं मरे हैं या फिर पेड़ पौधे जो मरे हैं अगर वो वैसे के वैसे ही रहते तो शायद अभी धरती के लेयर से कितने किलोमीटर ऊंची तक डेड बॉडीज का सरफेस बना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धरती पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर दिए, एनवायरमेंट को क्लीन किए, जो बॉडी मरती है उनको रॉट करने में, डिकम्पोज होने में बैक्टीरिया फंगी और प्रोटोजोआ जो है काफी अहम रोल निभाते हैं। तो यहां पर भी हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी फायदेमंद है। लास्ट में है सम अदर यूजेज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो ये है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। अब चलिए आपको ये बात पता ही नहीं होगा, बताते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के में जो हमारा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो कि शुगर को अलग अलग फूड मटेरियल्स को तोड़ते हैं, और उनके कारण ही, उनके एक्शन के कारण ही जब वो फूड को तोड़ते हैं तो एक्स्ट्रा गैस क्रिएट होते हैं जो कि हम लोग हमारे बॉडी से रिलीज होता है जिसको फ्रैटिंग कहते हैं हम लोग। तो याद रखेंगे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हैं जो बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, इवन हमारे पेट में जो जर्म्स हैं उनको मारने के लिए भी एक सिस्टम है, उसमें पहले डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारे स्टमक में पाया जाता है, उसके नीचे जब हम जाएंगे इंटेस्टाइन में तो भोजन वहां पर जाकर के बैक्टीरिया के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है। आगे है टोबैको, लेदर एंड जूट। टोबैको जो होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं इसीलिए उसको मना किया जाता है, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसमें लिखा जाता है टोबैको किल्स क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। आगे लेदर, लेदर जो है लेदर इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होता है कि जब जानवर से लेदर को अलग किया जाता है तो छोटे छोटे मांस के टुकड़े उस पर रह जाते हैं, वो जो मांस के टुकड़े हैं उनको अच्छे तरीके से खत्म करने के लिए एक प्रोसेस होता है टैनिंग, ठीक है। तो टैनिंग के द्वारा हम लोग लेदर से मांस के जो भी बचे खुचे थोड़े बहुत मांस के टुकड़े हैं उसको खत्म करते हैं, तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एक काम करते हैं। जूट,
आपको पता होगा कि जूट एक पौधा होता है और उसका जो खाल होता है, जो बार्क होता है, उसी से जूट बनाया जाता है। तो उस पौधे से जो जूट, जो उसके बार्क को अलग करता है, ये एक सराने की प्रोसेस होती है, जिसमें हम लोग जूट के पौधे को काटते हैं, पानी में रख देते हैं कुछ दिनों तक। तो जब हम रखते हैं तो वहां पर जो एक एक्शन होता है माइक्रोब्स का, जो उसके बार्क को खाते हैं और उसको पतला और उसके डंठल से निकल जाए आसानी से, ऐसा बनाते हैं, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। लास्ट में देखिए काउडंग, काउडंग हम लोग गोबर को कहते हैं, और काउडंग का जो इस्तेमाल है वो हम लोग कैसे करते हैं आपको बताते हैं। तो इस पर एक्शन होता है बैक्टीरिया का, और जब काउडंग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोगैस बनाने के लिए, गैस चेंबर में डालते हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया क्या करता है, उसके ऊपर एक्शन करता है, और बैक्टीरिया के एक्शन के कारण डिकम्पोज होना शुरू होता है काउडंग। और काउडंग जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने के बाद उससे गैस निकलता है मीथेन, जिसको हम लोग जलाते हैं और क्या नाम देते हैं, बायोगैस। तो ये सब हम लोग टॉपिक पढ़े, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद है। हम लोगों ने पढ़ा कि फूड इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एग्रीकल्चर, और लास्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा क्लास खत्म होता है, जिसमें हम लोग यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े। अगले क्लास में प्रॉब्लम कॉज्ड और डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।